अरुणाचल प्रांत ने नया इतिहास रचा है कि पाम प्लांटेशन का प्रोसेसिंग यूनिट का आज हमने फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं भूमि पूजन किया। और माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे विधायक गण, सब यहाँ के प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध हमारे जनमानस और हमारे किसान भाई बहनों ने इसमें अपनी सहभागिता प्रकट की, सहभागी रहे। और ये एक नई चीज़ होगी। और आज हमने एक और घोषणा करी है कि यहाँ और जो अरुणाचल में पाम जो प्लांटेशन होगा या बाद में जो पाम सीड ऑयल तैयार होगा वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। और माननीय प्रधानमंत्री के सपनों के अनुकूल आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो अभियान है इस अरुणाचल से प्रारंभ होने जा रहा है। ऑयल के क्षेत्र में, पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में, ये पूरे देश के लिए प्रसन्नता की बात है और अरुणाचल वालों के लिए प्रसन्नता के साथ में गर्व करने की बात है। एक नया इतिहास है, नया अभियान है। और आप सबको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। यह बहुत जल्दी ये प्लांट बने और प्रोसेसिंग हम कर सके, सीड के लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी हम लोग बेहतरीन कर सके। इसमें देखो, ये सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर लगभग हम 20-25% जो भूभाग जो बंजर पड़ी हुई है, आज अनयूज्ड है, वैसे ही जंगल हुआ पड़ा है। उस जंगल में, यह जंगल का मतलब है झाड़ उस तरह का, कोई पेड़ वाले जंगल नहीं है, तो उसके बीच में ही इसको हम उगाएंगे। तो सीधे तौर पर 25% से ज़्यादा किसानों को, और यदि इनडायरेक्ट देखें तो इससे पूरे प्रांत को फाइनेंशियली भी, आर्थिक रूप से भी, साथ में रोजगार के रूप में भी बहुत लाभ होगा। एक चीज़ है किशन जी, क्योंकि अल्टरनेट प्लांटेशन का जब बात करते हैं कि उसमें रोजी रोटी का थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि अरुणाचल हम करा रहे हैं, मौसम का मार झेलना पड़ता है इसमें। हम इंटरक्रॉपिंग के लिए और पौधे साथ में क्या लगाया जा सकता है, उन पौधों का भी बाई बैक हम लोग कर सकें किसानों से उगा करके। हम सिर्फ पाम ऑयल के लिए, पाम सीड नहीं, जो किसान उसके अंदर उगाएगा उसको भी हम खरीद सके। हम इसके लिए सोच रहे हैं और हम उसके लिए योजना बनाएंगे और खरीदेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल शुरू होगा, ऐसा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बोल के ऐसा बात भी नहीं है, कारण जितना उन लोग का प्रॉफिट प्रोड्यूस हुआ था इन लोग का तो खरीद के, ठीक है, इन लोग ने इस्तेमाल नहीं किया वो अलग बात है, खरीद तो रहा है, लेकिन जो शाम दाम कितना देना था, दिया नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट्री हो जाएगा उसको पूरा पूरा इन लोग को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्री बनाने में थोड़ा डिले हुआ लगता है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्लांटेशन तो चल रहा था पहले से। एक चीज़ है, डिले भी हम लोग नहीं कर सकता है, कारण एक फैक्ट्री बेचने के लिए उसका अनुकूल प्रोडक्शन होना पड़ेगा ना, तभी जाके फैक्ट्री बैठेंगे ना। अभी राइट टाइम है इनफैक्ट फैक्ट्री बैठने का, अभी फैक्ट्री बैठने में 1 साल लगता है, तो 1 साल में अभी जितना पाम ऑयल प्रोडक्शन होगा वो भी अभी भी कमती होगा, फिर भी धीरे धीरे बाद में फुलफिल किया जाएगा। आपने स्पीच में सर कहा कि सीडलिंग का बात है, क्योंकि सीडलिंग हमारा कंट्री में स्पेशली होता नहीं है।